तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो ये वीडियो अपनी जिसमें अपन नए मॉडल में सिर्फ अपनी दो तीन चीज़ें ही बाकी है। जैसे अपन यहाँ पे टीवी लगा लेते हैं और दो चार एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे कि मेरे पास अभी टीवी यूनिट है जो मैंने अभी देखी थी अपने, उसमें तो मैं टीवी यूनिट यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ, मतलब डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ मैं। तो मेरे पास अभी 49 वाली टीवी यूनिट है जो मैं इसे अपने इसमें मर्ज करने वाला हूँ। यहाँ से देख सकते हो आप, ये मर्ज करा है मैंने सिंपल। तो अपनी फाइल मर्ज होने वाली है। तो फाइल मर्ज हो चुकी है अपनी, देख सकते हो यहाँ पे इस टाइप से। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, इसका तो मुझे कोई काम नहीं है वैसे भी। और मैं सबको सेलेक्ट करके रोटेट करूँगा। ओहो, सबको 180 डिग्री रोटेट कर लिया मैंने। अब मेरे को इसमें आइटम रखना है, तो मैं क्या क्या रख सकता हूँ वो देख लेते हैं अभी अपन। तो एक मैं ये ओपन करते हैं इसे। देखिए गुलदस्ता तो है जो अपने पास, इसे रखेंगे यहाँ पे इस टाइप से। लेफ्ट व्यू में आ गया हूँ मैं, इसे प्रॉपर सेट करने वाला हूँ। ये रख दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी। अभी जो अपना हैंड है इसे भी अपन इधर इधर ही रखेंगे, और इसे नीचे साइड स्नैप कर दूंगा मैं इस टाइप से। और अब यहाँ पे अपन कुछ और भी रख सकते हैं, जैसे मैं सिर्फ टी प्रेस कर रहा हूँ जिससे कि टेक्सचर में इंपोर्ट कर सकूँ अपने इसमें। तो यहाँ से मैं टेक्सचर ले रहा हूँ, सारे टेक्सचर जो मिसिंग टेक्सचर है वो सेलेक्ट करके सेट पाथ करा मैंने। अब मेरी जो टीवी यूनिट है मैं उसमें चले जाता हूँ। तो मेरी 49 वाली टीवी यूनिट है, इसमें ये जो टेक्सचर है वो कॉल कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने टेक्सचर भी कॉल कर लिया, देख सकते हो तो आप, ये ओके आ गया है। तो इसमें टेक्सचर कॉल हो चुके हैं सारे अपने। और अब मेरे को एक ये बुक्स ले लेता हूँ, और ये जो डमी खड़ा है इसे भी ले लेता हूँ, और इसे भी अपने प्रॉपर स्नैप कर दूंगा मैं यहाँ पे इस टाइप से। तो बुक्स को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे अपन। यहाँ पे ये हैंड की जगह में और कुछ रख लेता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ मांग रहा है, मगर अपन बना रहे हैं, मांग नहीं रहे। तो मैंने दोनों चीज़ को यहाँ पे ले आया हूँ, इसे मैं नीचे स्नैप कर रहा हूँ इस टाइप से, रख दिया मैंने अभी। तो अपनी इतनी चीज़ें तो अपन ने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। अब टॉप व्यू में आ जाएंगे अपन। जो अपनी टीवी है, टीवी को भी अपन लगा देते हैं सही जगह पे। यहाँ पे इसे सेंटर में स्नैप करूँगा टीवी को। टीवी को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे अपन, ताकि इसमें इसे भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं। इस टाइप से और इन सबको मैं अब करूँगा डिटैच। तो ये अपने ग्रुप से हट चुके हैं, अब ये पूरे अपने ग्रुप से हट चुके हैं। इसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, देख सकते हो आप, ये इसे सेलेक्ट कर लिया मैंने, और इसे स्नैप कर रहा हूँ मैं यहाँ पे साइड में इसके। और इसका साइज़ मैं बड़ा करूँगा, क्योंकि मेरे को इसमें कुछ अलग चीज़ करना है। तो इसका मैंने साइज़ इतना बड़ा कर लिया मिनिमम, और इसे मैं इस टाइप से रखूँगा। फिर से मैं इसे स्ट्रेच करने वाला हूँ। ये तो हो गया,
हो गया अपना। अब इसमें अपन लगाएंगे यहाँ पे कैप। तो मैं इसे यहाँ से पॉलीगॉन को सेलेक्ट कर लेता हूँ सारे, टॉप व्यू में जाके इस टाइप से, और ये ऊपर वाले भी अपने अभी से करता हूँ मैं डिलीट। यहाँ से लेता हूँ कैप, यहाँ पे लगा देता हूँ कैप। तो जैसे तो ये कैप भी लग चुकी है इसमें ऊपर की साइड, अपना डिज़ाइन भी बढ़िया है। अब इसके अंदर अपन इंपोर्ट करेंगे, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ अपन रख सकना हो तो अपन रख लेते, साइड में रख लेंगे इसे। यहाँ पे इसे साइड में रख लिया, इसे मैं करूँगा अभी जो अपनी टीवी यूनिट है इसको भी एक लेयर में दे देते हैं। ऐसे लिखेंगे अपन टीवी यूनिट, टीवी यूनिट की भी लेयर बन चुकी है अपनी एक। तो देख सकते हो ये टीवी यूनिट, ये अपना बेड, ये टीवी यूनिट को अपन हाइड करें। अब एक चीज़ और है जो मैं यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं एक्सप्रेस करने वाला हूँ, तो मैं इसे भी इंपोर्ट करने वाला हूँ, ये जो फाइल है इसे भी। तो ऐसी फाइल रहती है तो अब इसे अपन अलग ही फाइल में पहले इंपोर्ट करेंगे। जो अपनी एपीएक्स फाइल है तो इसे अपन दूसरी फाइल में ही इंपोर्ट करते हैं हमेशा। तो मैं लेडी को सेलेक्ट करने वाला हूँ, देख सकते हो इस लेडी को अपन अपने उसमें लगाएंगे। तो यहाँ से अब मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसे मैं अपने यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो अपनी लेडी भी कहीं ना कहीं इंपोर्ट हो चुकी है और इसका साइज़ एकदम बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। तो इसे अपन यहाँ से अपने हिसाब से स्टेप से इसे यहाँ से अपन ऐसे करके रोटेट कर लेंगे 180 डिग्री, इसे इसके ऊपर स्नैप कर देंगे। यहाँ पे आपकी इच्छा हो तो आप और कुछ भी लगा सकते हो, जैसे कि इसको मैं और बड़ा कर रहा हूँ। मैं इसका मैं यहाँ से साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, किसके हाइट प्रॉपर एकदम सही हाइट पे रखें इसे। तो देख सकते हो इतना आइटम अपन ने इसको प्रॉपर एकदम इसे भी कट कर रहा हूँ मैं, और मैं टीवी यूनिट के अंदर इसे पेस्ट कर रहा हूँ। तो टीवी यूनिट के अंदर पेस्ट हो चुका है सब आइटम। तो देख सकते हो ये अपनी पूरी मॉडलिंग कंप्लीट हो चुकी है, और अपने कितने सिंपल वे में इसकी मॉडलिंग कंप्लीट की है। अपनी सीलिंग बन चुकी है इसमें, जितनी भी चीज़ें हैं अपने पास, अपन ने बेसिक से इसे एकदम एडवांस तक ले चुके हैं, अपन इसे एडवांस तक ले जा चुके हैं। मैं भी अंदर चले आता हूँ। तो अपना बेसिक से एकदम देख सकते हो ये पूरा रूम अपन ने रेडी कर लिया है अभी। देख सकते हो ये टीवी यूनिट भी अपनी लग चुकी है यहाँ पे। अपना बेडरूम एकदम बन के रेडी हो चुका है, इसमें सीलिंग वगैरह अपन ने वॉल एलिवेशन, वार्डरोब, डोर, बेड, ये सब चीज़ अपना एकदम कॉम्बिनेशन बढ़िया सेट कर लिया है। बस एक चीज़ की अपन ने गलती कर दी है, जो है मैंने यहाँ पे कर्टन के लिए स्पेस नहीं छोड़ा है। जो सीलिंग कर्टन आते हैं उनके लिए स्पेस छोड़ना पड़ता है, तो वो स्पेस अपन छोड़ देते हैं। तो यहाँ से मैं फिर से सीलिंग को सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक गलती है वो जो सुधारना पड़ेगी अपन को, मेरी गलती है। तो मैं इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं पहले एक साथ, और इसमें अप्लाई करता हूँ मैं FFD मॉडिफायर। इसे यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा सबको, सॉरी FFD को मैंने पहले ले लिया है और मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब देख सकते हो ग्रीन हो चुका है। अब मैं 6 इंच इसको
मूव कर रहा हूँ इधर, जैसे चेंज मूव कर दिया इधर, कर्टन आ जाएंगे। अब इसे करेंगे अपन क्लोज। तो छोटी मोटी गलतियाँ तो मेरे से भी होती है क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, तो इसको दिल पे ना ले। तो ये अपना ये बन के अभी एकदम रेडी हो चुका है हर चीज़। तो अब इसमें अपन कर्टन भी ले आते हैं, मेरे पास कर्टन का भी ऑलरेडी रखा हुआ मॉडल, तो वो मैं आप लोकेशन पे चले आता हूँ पहले। तो यहाँ पे मैं कर्टन लिखूँगा तो यहाँ पे मेरे पास कर्टन आ जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मतलब ये वाला कर्टन लगा देते हैं अपन। जैसे कि ये 5 नंबर है तो मैं इसमें 5 नंबर कर्टन ले लेता हूँ। यहाँ पर ये 8 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर कि ये तो एकदम लोकल हो गया है। तो अपन इसमें करीब 5 नंबर वाला कर्टन लगा लेंगे जो अच्छा लग रहा है, दिखने में भी अच्छा है। तो इसे अपन यहाँ पे से मर्ज कर लेते हैं। तो मैं इसे इस टाइप से मर्ज कर रहा हूँ अपनी फाइल में। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि फाइल हैवी हो गई है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं YG स्टूडियो से और मेरे बिगनर दोस्तों भाई उन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस पे ज़रूर ध्यान दें क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, आपको नई नई चीज़ जानने को मिलेगी प्रैक्टिस करने से। तो अपना कर्टन भी लग चुका है एकदम सिंपल वे में। अपन ने सब चीज़ अपन एकदम सिंपल वे में लगा रहे हैं हर चीज़ में, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि जैसे अपन कुछ हार्ड हो, मतलब हर चीज़ एकदम सिंपल वे में ही कर रहे हैं अपन, कुछ ना ज़्यादा हार्ड वाली चीज़ें कर रहे हैं। और आपको वीडियो लाइक करना पड़ेगी और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो क्योंकि अपन को बहुत लंबी रेस में दौड़ना है। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अपना देख सकते हो ये कर्टन भी अपन ने ऐड कर दिया है यहाँ पे। तो अपना मॉडल तो पूरा बन के रेडी हो चुका है, इसमें अपन ने एलिमेंट भी ऐड कर दिए हैं, मतलब ऑलमोस्ट इतनी सारी चीज़ें इसमें, सारी चीज़ें ऐड हो चुकी है। अब इसमें अपना नेक्स्ट पार्ट बचा है जिसमें मैं आपको लाइटिंग मतलब टेक्सचरिंग करूँगा पहले, फिर उसमें अपन लाइटिंग करेंगे और फिर इसका फाइनल आउटपुट आपको आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो अपन मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी वीडियो को मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। बाय बाय।